मूवी की शुरुआत होते ही हम एक झूमर को देखते हैं जिसके अंदर एक दीमक है। फिर हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम है अनिकेत और अवनी, जो एक दूसरे के सामने खड़े होकर सुसाइड करने वाले हैं। तीन की गिनती पर दोनों भी ट्रिगर दबा देते हैं, लेकिन अनिकेत का शॉट फायर हो जाता है और अवनी का ब्लैंक होता है। लेकिन ये बस अनिकेत का एक इमेजिनेशन होता है। फिर हम मिलते हैं देविका से, जो कि प्रोफेशन से एक डेंटिस्ट है, और अनिकेत उसी की क्लिनिक में बैठकर ये प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए मजबूर करवा दे। अनिकेत अवनी से छुटकारा पाना चाहता है, वो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है और उनका कोई बच्चा नहीं है। अवनी की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, वो अनिकेत को तलाक नहीं दे रही है, इसलिए अनिकेत उसे रास्ते से हटाना चाहता है। वो अवनी को झूठ बोलकर ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है, अब उसका घर भी जब्त होने वाला है, अब हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं है, इसलिए हम दोनों को सुसाइड कर लेना चाहिए। और अवनी भी उसकी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। अब वो देविका के साथ पूरे प्लान की रिहर्सल करता है कि कैसे वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने गन की खोने की कंप्लेंट करवाएगा, फिर वहां से ऑफिस जाकर कुछ देर काम करेगा, फिर देविका के क्लिनिक से अपॉइंटमेंट का कॉल आने पर वो क्लिनिक आ जाएगा। क्लिनिक के नीचे वो जेरोक्स वाले से एक बुक प्रिंट करवाएगा ताकि वो स्टोर के सीसीटीवी में आ जाए। फिर क्लिनिक के अंदर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर पीछे के दरवाजे से निकलकर वो अपने घर आ जाएगा, ताकि वो ये दिखा सके कि वो अवनी की मौत के वक्त क्लिनिक में ही मौजूद था, और वो अवनी से ये कहेगा कि लेनदारों के डर की वजह से उसे डिलीवरी बॉय का भेष बदल कर आना पड़ा। फिर वो दोनों भी अपना अपना सुसाइड नोट लिखेंगे और वो अवनी को असली गन देगा, जबकि खुद फेक गन लेकर तीन की गिनती पर ट्रिगर दबा देगा, फिर वापस पीछे के दरवाजे से निकलकर क्लिनिक आ जाएगा। जब दोपहर को काम करने वाली बाई आएगी, जिसके पास भी घर की चाबी है, वो अवनी की बॉडी को देख लेगी और पुलिस उसे सुसाइड डिक्लेयर करके केस को क्लोज कर देगी। और ये लोग ये सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे ये एक परफेक्ट मर्डर होगा जिसे सुसाइड दिखाकर वो लोग बच जाएंगे। अब वो अपने घर आ जाता है और अवनी को ढूंढने लगता है। अवनी एक बेड के नीचे एक दीमक से बात कर रही होती है। वो अपने खाली वक्त में दीमक पर रिसर्च कर रही होती है और कहती है कि दीमक अब इविल हो गए हैं, अब वो लकड़ी के साथ साथ प्लास्टिक भी खाते हैं। ये कहकर वो दीमक को एक छोटी सी डिब्बी में बंद कर देती है। फिर अनिकेत उससे पूछता है कि साइकेट्रिस्ट के साथ उसका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, जिस पर अवनी कहती है कि ट्रीटमेंट तो ठीक से चल रहा है। फिर अनिकेत उसे याद दिलाता है कि कल हम दोनों को सुसाइड करना है, जिस पर अवनी उसी वक्त सुसाइड करने की जिद कर लेती है, लेकिन अनिकेत उसे किसी तरह मना लेता है। फिर दूसरे दिन प्लान के मुताबिक वो पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने गन की मिसिंग कंप्लेंट करवाता है, वहां से ऑफिस जाके कुछ देर काम करता है, फिर क्लिनिक आकर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर वो अपने घर आ जाता है। और जब वो घर आता है, अवनी फ्लोर पर लेटी होती है। अनिकेत को लगता है कि वो दवाई के असर में सोई हुई है और वो अवनी के हाथ में गन रखकर उसकी उंगली से ट्रिगर दबा देता है और अवनी का पहले से लिखा सुसाइड नोट उसके पास रख देता है। तभी अवनी के फोन पर उसके डॉक्टर का फोन आता है, जिसका नाम है अंशुमन। अनिकेत उसको इग्नोर करते हुए अपने प्लान के मुताबिक क्लिनिक आ जाता है। फिर वो अपनी मेट के कॉल का इंतजार करता है, लेकिन बहुत देर तक कॉल के ना आने पर वो बेचैन हो जाता है और ड्राइवर के साथ घर आ जाता है। वो ड्राइवर को बहाने से घर के अंदर भेजता है ताकि वो बॉडी को देख ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब अनिकेत घर के अंदर आता है तो वो जगह जहां उसने गोली मारी थी वो बिल्कुल खाली होती है। उसे समझ में नहीं आता कि यहां क्या हो रहा है। वो ड्राइवर को घर भेजकर देविका को फौरन वहां बुला लेता है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वहां चल क्या रहा है। तभी अनिकेत को डस्टबिन में प्रेगनेंसी किट मिलती है जो पॉजिटिव होती है, और उसी वक्त उसके फोन पर उसकी बीवी का कॉल आता है। ये देखकर तो वो डर जाता है। वो डरते डरते कॉल को उठाता है और फोन की दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूं, तुम जल्द से जल्द वहां पर आ जाओ। अनिकेत पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बिना देर किए इस एड्रेस पर आ जाओ। जब वो दोनों उस एड्रेस पर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अवनी का डॉक्टर है। डॉक्टर उन्हें अवनी की बॉडी दिखाता है और कहता है कि कैसे ट्रीटमेंट के दौरान वो और अवनी एक दूसरे के करीब आ गए और अवनी प्रेग्नेंट हो गई,
लेकिन वो ये बच्चा नहीं चाहता था, इसलिए उसने अवनी को दवाई का ओवरडोज देकर मार दिया। वो आगे बताता है कि जब वो बाथरूम में था तभी अनिकेत वहां आकर मरी हुई अवनी को गोली मार देता है। और अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है क्योंकि अवनी प्रेग्नेंट थी। अगर पोस्टमार्टम में उसके बच्चे का डीएनए डॉक्टर से मैच हुआ तो सीधा शक उसी पर आएगा, इसलिए वो अवनी की बॉडी को घर पर ले आता है। दरअसल डॉक्टर ये दिखाना चाहता था कि अवनी मेंटली अनस्टेबल है, उसने दवाई का ओवरडोज लेकर खुद को ही मार दिया है और ये एक सुसाइड है, मगर सर पर गोली लगने की वजह से पूरे हालात खराब हो गए हैं जिससे वो फंस सकता है। अब उन तीनों में बहुत देर तक बहस चलती है, फिर वो लोग मिलकर फैसला करते हैं कि अवनी की बॉडी को शहर से दूर ले जाकर गाड़ देंगे। वो अवनी की बॉडी को गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर ले जाते हैं, लेकिन उनको कोई सुनसान जगह नहीं मिलती। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुलिस वाला और एक औरत मिलती है जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वाला उन लोगों को उस औरत को हॉस्पिटल तक छोड़ने को कहता है और कहता है कि मैं आप लोगों के आगे आगे चलता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद उस औरत को शक हो जाता है कि अवनी शायद जिंदा नहीं है क्योंकि वो कोई भी हरकत नहीं कर रही है। तभी सड़क के बीच एक बाइक वाला आ जाता है और देविका जोर से ब्रेक मारती है और तभी अवनी की बॉडी आगे जोर से टकराती है। जब वो औरत देखती है कि इतनी जोर से टकराने के बाद भी अवनी ने कोई हरकत नहीं की तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वाले को जो कार के आगे बाइक से जा रहा होता है कॉल कर देती है। तभी अनिकेत मेटल की वाटर बॉटल से उस औरत के सर पर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तब तक वो पुलिस वाला भी वहां पहुंच जाता है और उस औरत को मरा हुआ देखकर उन तीनों को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। तभी देविका पैनिक होकर उस पुलिस वाले पर ही गोली चला देती है। अब वो लोग तीन डेड बॉडी लेकर घूम रहे होते हैं क्योंकि सुबह होने वाली होती है। वो लोग फैसला करते हैं कि तीनों डेड बॉडी को हम वापस अनिकेत के घर ले जाते हैं और बाद में उनका क्या करना है सोचेंगे। वो बॉडी को सोफे पर रख देते हैं और खुद सोफे के सामने बैठ जाते हैं। तभी वो झूमर जो हमने मूवी के शुरू में देखा था उन तीनों पर आकर गिर जाता है और वहीं पर उन तीनों की मौत हो जाती है। फिर हम वहां कुछ पुलिस वालों को बात करते हुए देखते हैं कि झूमर तो नायलॉन की मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था, फिर कैसे गिर गया। उसके बाद हम देखते हैं क्लोजअप शॉट जिसमें बहुत सारी दीमक लगी होती है जो कि प्लास्टिक की रस्सी को खा रही होती है, जिसे कि अवनी ने बताया था कि अब दीमक भी इविल हो गई है, वो लकड़ियों के साथ साथ प्लास्टिक भी खा रही हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।